नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही ऐलान किया कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। सिसोदिया ने कहा कि मुद्दा एक्साइज पॉलिसी घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल के मॉडल को रोकना। सिसोदिया ने कहा कि अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ एक्साइज चोरी होता है, वहाँ छापेमारी होती। अगर मुद्दा घोटाला होता तो पीएम ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन के अंदर वो धस गया, उसके घोटालेबाजों को पकड़ा जाता, वो है घोटाला। मुद्दा घोटाला नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल, इनकी परेशानी है कि केजरीवाल जिस तरीके से पूरे देश में काम करने वाले नेता के तौर पर पहचान बना रहे हैं और पंजाब के बाद केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, ये रेड केजरीवाल को रोकने की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज कहा, ये मेरे यहाँ इसलिए छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि मैं केजरीवाल का शिक्षा मंत्री हूँ। इससे पहले केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया और अब ये 2-4 दिनों में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। सिसोदिया ने कहा कि देश के पीएम को इतना बड़ा जनमत दिया गया, ये शोभा नहीं देता, ये वो काम रोकने के लिए इस तरह की छोटी सोच रखते हैं। सिसोदिया ने कहा कि 2024 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज देश कह रहा है कि मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल को एक मौका देना है, इसलिए मोदी जी रोकना चाहते हैं। सिसोदिया ने कहा कि हम भगत सिंह की संतान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमको नहीं तोड़ पाओगे ना झुका पाओगे, अब अगला चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। शराब नीति के मामले में सीबीआई के रडार पर आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में स्थित आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मांग की है कि मनीष सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने नई आबकारी नीति के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ हुई छापेमारी के बहाने आम आदमी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर छापे पड़ें तब आप भी बोलना सीखिए। हम आज आपके लिए बोल रहे हैं लेकिन जब दूसरों पर छापेमारी होती है तब आप चुप्पी साध लेते हैं, एकांगी सोच से काम नहीं चलेगा। मनोज झा ने कहा कि किसी भी विपक्षी नेता को निशाना बनाया जाए तो एकजुट होकर बोलना होगा क्योंकि एक पैटर्न देखा गया है, फलाना नेता पर छापे पड़े और शाम को या 2 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया, फिर उन मुकदमों की आरोपों की चर्चा भी नहीं होती है। ये कानून के राज के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, इसलिए विपक्ष के तमाम दल एक दूसरे के लिए बोलना सीखें, तब इन संस्थाओं की रही सही इज्जत भी धूल धूसरित हो जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर लखीमपुर में किसानों का धरना जारी है। किसानों ने गुरुवार सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना शुरू किया था और ये 75 घंटे तक चलेगा। धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी जिसमें 4 किसान भी शामिल थे। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को गुजरात सरकार के द्वारा रिहा किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने चिंता जताई है और इसकी निंदा भी की है। इस मामले को लेकर USCIRF के कमिश्नर स्टीफन स्नेक ने कहा, 2002 के गुजरात दंगों में शारीरिक और यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहना न्याय का मजाक है। ये मामला भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा करके दंड से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। वहीं USCIRF उपाध्यक्ष अब्राहम कपूर ने कहा, USCIRF 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार और मुस्लिम पीड़ितों के खिलाफ हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों को जल्द और अनुचित रिहाई की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के न्यूजर्सी में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई एक परेड पर विवाद हो गया। उस परेड में कथित तौर पर बुलडोजर को शामिल किए जाने पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी कि IAMC ने आपत्ति जताई है।
और इसे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम करार दिया। IIMC ने इस मामले में बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि RSS और BJP ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की अपनी मुहिम को अमेरिका तक पहुंचा दिया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अनुसार न्यूजर्सी के एडिसन शहर में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले स्वतंत्रता दिवस परेड निकाली गई थी। उसमें एक बुलडोजर भी शामिल किया गया। उस बुलडोजर पर कथित तौर पर PM मोदी और बाबा बुलडोजर लिखी हुई UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। बयान में कहा गया यह यूपी में चल रहे बुलडोजर अभियान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश थी। उस बयान में यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई को सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के घरों को गैरकानूनी ढंग से तोड़ने की कार्रवाई बताया गया है। बयान में कहा गया है कि बुलडोजर को मुसलमानों को सबक सिखाने के प्रतीक के तौर पर BJP समर्थक प्रचारित करने में जुटे हैं। हालांकि यूपी में प्रशासन ऐसी कार्रवाइयों को अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई बताता रहा है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में आम लोग घायल हुए हैं। ये हमला मोगादिशु में स्थित हयात होटल पर हुआ है। सुरक्षा बलों ने हरकत में आते हुए कई लोगों को बचाया है। हमले से पहले आतंकियों ने होटल के बाहर जोरदार धमाके किए और इसके बाद हथियारों से लैस आतंकी होटल के अंदर घुस गए। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।